आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो फ्राइडे है आज और मॉर्निंग वाली चाय बन रही है। आज तो मुन्नी आएगी नहीं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 कप है। अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 और बाहर का मौसम देखिए, बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, बारिश हो रही है, बहुत ठंडी लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। मैं जितने टाइम दुबई में रही तो उस टाइम में ऐसी बारिश कभी नहीं हुई थी। फिर मैं चली गई थी इंडिया, फिर मैं जब से आई हूँ मैंने ऐसा नहीं देखा था। आज मैं फर्स्ट टाइम दुबई में बारिश देख रही हूँ। कल भी सुबह में बारिश हुई थी लेकिन कल मैंने मिस कर दिया था, कल मैं सोई भी थी, बट आज मैं देख रही हूँ। अभी इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो नहावा के मैं रेडी हूँ और बारिश भी बंद हो गई है अभी, और आज है फ्राइडे। तो अभी आई हूँ किचन में कुछ बनाने। क्या बनाना है निया? पूरी। निया को क्या खाना है? पूरी। पूरी बनाएंगे। पूरी तो निया को ना मैदे वाली पूरी ज्यादा पसंद, जो भटूरे वाली टाइप की होती ना वो। तो अभी मैं मैदे की पूरी बनाऊंगी और आलू की सब्जी बनाऊंगी, सिंपल आलू टमाटर की। तो चलिए बनाते हैं। इस साइज के 5 आलू मैं अभी उबाल रही हूँ। आलू को मैंने ज्यादा सीटी नहीं लगाया, सिर्फ 4 सीटियों के बाद इसको बंद कर दिया है। अब मैं इन उबले हुए आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूंगी। अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया, इसमें डाला है 1 बड़ी चम्मच सरसों का तेल और इसमें मैं अब ये आलू डाल के फ्राई कर लूंगी। जब तक आलू उधर भुन रहे हैं मैं इधर एक टमाटर को काट लेती हूँ। आलू भुन गए हैं, अब मैं इन आलूओं को निकाल लूंगी। अब सेम कढ़ाई में मैंने डाला 1 छोटी चम्मच सरसों का तेल, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच जीरा और थोड़े से अदरक और हरी मिर्च ऐसे बारीक कटे हुए। अभी मैंने फ्लेम बिल्कुल लो किया हुआ है, अभी इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इनको मैं भून लूंगी। फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए नहीं तो ये मसाले जल जाएंगे। और अब इसमें डालेंगे ये टमाटर। अब इसमें मैं डालूंगी 1/2 छोटी चम्मच नमक ताकि ये टमाटर जल्दी से पक जाए। और अब इनको ढककर मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक के लिए पकने दूंगी, तब तक टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया तो टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं इसमें मिलाऊंगी 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। और अब इसमें मैं मिलाऊंगी 1 छोटी चम्मच नमक। नमक पहले भी मैंने डाला था इसीलिए मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 छोटी चम्मच ही डाल रही हूँ। अब इसको कवर करके 2 से 3 मिनट तक और पकाऊंगी। अभी 2 मिनट बाद मसाले भून चुके हैं तो मैं अब इसमें मिला रही हूँ 1 बड़ी चम्मच कसूरी मेथी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये भुने हुए आलू।
और अब इसमें मैं मिला रही हूँ एक कप पानी। अब इसमें मैं डालूंगी हरी धनिया की पत्तियां। आलू को तो मैंने पहले से उबाल लिया था तो आलू तो पहले से पके हुए, लेकिन अभी पानी डालने के बाद मैं इसको कवर करके 3 से 4 मिनट तक इसको पकने दूंगी। और फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा है। अब 3 से 4 मिनट बाद मैं ये कवर हटा रही हूँ। आलू को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा था, बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़ों में नहीं काटा था, इसीलिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है। बिल्कुल पानी पानी वाली सब्जी मुझे अच्छी नहीं लगती है, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो ऐसी है। इसको फुली फुली पूड़ियों के साथ खाने में ना बहुत मज़ा आता है। जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते उनको तो ये सब्जी बहुत पसंद आएगी, और जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं उनको भी ये सब्जी बहुत पसंद आएगी, बहुत टेस्टी बनती है। और बस इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि मेरे मुँह में पानी आ रहा है। तो अभी मैं फ्लेम बंद कर देती हूँ और ये सब्जी मेरी तैयार हो गई है। मैंने लिया है मैदा, इसमें मैं मिला रही हूँ 1 बड़ी चम्मच रिफाइंड ऑयल। यहाँ पे जो मैंने पानी लिया है वो हल्की गुनगुनी है, गर्म ज़्यादा नहीं है बट गुनगुनी पानी है, तो मैं हल्का हल्का डाल के मैदा गूंद लूँगी। अब इस गूंदे में मैदे में से एक छोटी सी गुलिया कर मैं पूड़ियाँ बनाना शुरू करूँगी। तेल गर्म हो चुकी है, अब मैं इसमें पूरी डालूंगी। गर्मा गर्म मैदे की पूड़ियाँ और आलू और टमाटर की सब्जी बनकर तैयार है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, कैमरे पे आपको पता नहीं चलेगा बट सच में सामने से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पूरी सब्जी बनकर तैयार हो गई है, पहले नमिया को दे देती हूँ उसके बाद हम लोग खाएंगे। और आज मैंने बालों में कॉम्ब भी नहीं किया है, नहा कराई हूँ, हेयर वॉश किया था आज, कॉम्ब भी नहीं किया, ऐसे ही सूख गए बाल। तो चलिए अभी पहले बच्चों को खिला देती हूँ, उसके बाद हम लोग खाएंगे, फिर आपसे मिलती हूँ। कैसा है बेटा? अच्छा, सबका उसमें है। ये मेरा और मिया का। अच्छा, मम्मा का कौन सा है? मम्मा का यहाँ है। नब का? नब का यहाँ है। दादी का यहाँ है। निया को पसंद है? हम्म। नब का पूरी कहाँ है? नब का पूरी इधर है। नब नींद में है। मम्मी का ये दादी का है? नहीं, ये निया का है, ये भी निया का है, ये नब का है, मम्मी मेरी का उधर है। ओके नब खाया है। सो के नहीं खाना चाहिए ना, अब उठो, लेट कर नहीं खाना चाहिए ना, अब उठ जाओ। मैं योगा कर रहा है ना, अब उठो। क्या नाटक कर रहा है निया कर, ये नाटक कर रहा है। निया क्या कर रहा है ना, निया क्या कर रहा है ना, नाटक कर रहा निया। निया को पूरी पसंद है? हाँ, कुछ तो बोलो। मांग के बना के पूरी खाई है। अभिनंदन, आभार, करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। तो हम लोग अभी घर में सेलिब्रेट कर रहे हैं पुराने साल के जाने का और नए साल के आने का। बच्चों को पूरी भाजी खिलाकर देखिए। बच्चे सही से खाना खा ले, यही सबसे बड़ी सेलिब्रेशन। बच्चे स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे,
बच्चा आइसक्रीम खाता है? कौन बच्चा आइसक्रीम खाता है? बच्चा खाना है खाता आइसक्रीम खाता है। नो, आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए बच्चों को, खाना खाना चाहिए। निया तो सबकी दादी अम्मा है। तेरी आइसक्रीम खाना चाहिए बच्चों को। आपके पूरे परिवार को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं रेडी हो गई हूँ, कहीं जाने रहे हम लोग। आज मैं आप लोगों से एक बात कहती हूँ, छोटी सी बात है बस, क्योंकि हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी बुरा वक्त भी आता है और अच्छा वक्त भी आता है, तो हम सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं। तो वैसे ही हमारे लाइफ में भी हजार तरह की चीज़ें एक साथ चलती हैं, बहुत परेशानियां भी आई, बट उसी में मैं अपने आप को खुश रखने की कोशिश करती हूँ। मैं छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाती हूँ और मैं खुश होने का ना कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती हूँ। अभी हम लोग न्यू ईयर हमारी फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट करेंगे, यहाँ पर बस हम ही लोग हैं, बट मैं इस तरह से रेडी हुई हूँ खुद के लिए, क्योंकि मुझे खुद को अच्छा फील कराना था, इसलिए मैं थोड़ा टाइम निकालना चाहती हूँ खुद के लिए। मैं तैयार होना चाहती हूँ, अगर मैंने कोई कपड़े खरीदे हैं और मैं कहीं नहीं जा रही हूँ बाहर, तो मैं खुद के लिए पहनना चाहती हूँ, खुद के लिए मैं तैयार हुई हूँ। मुझे ये सब करके आज अच्छा लग रहा है, बस इसी से मुझे खुशी मिलती है, इसलिए मैंने आज ये किया है, इसीलिए आज मैं तैयार हुई हूँ और जल्दी जल्दी मैं हुई हूँ, क्योंकि नवनिया बहुत परेशान कर रहे थे बाहर में डैडी को, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी रेडी होकर आई हूँ। जल्दी जल्दी मुझसे जैसे वो मैंने कर लिया है, तो प्लीज़ जज मत कीजिएगा, मुझे पता है मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, बट जो भी है मुझे इससे थोड़ी सी खुशी मिली, इससे मैंने अपने आप को तैयार कर लिया। बस यही है, वो ड्रेस है जो मैंने उस दिन ऑनलाइन मंगवाया था, इसको मैंने रिटर्न नहीं किया था। और ये है मेरी ड्रेस। अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे फायर बॉक्स देखने हैं। वो देखिए एनिमेश और नवनिया, वो दुबई फ्रेम, वो बुर्ज खलीफा, सारे लोग खड़े हैं फायर बॉक्स देखने के लिए। उधर भी बहुत सारे लोग हैं। Thank you.
हैप्पी न्यू ईयर। सांस लेने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग अभी जबरदस्त शानदार डांस कर रहे थे, नए वर्ष की जो है हम लोग अच्छी तरह से स्वागत कर रहे थे। तो स्वागत है आप सभी का नए वर्ष में। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। विशिंग ऑल ऑफ यू एंड ऑल योर फैमिली मेंबर्स नियर डियर वंस अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। ऊपर वाला करे आपके घर में इस नए वर्ष में सुख समृद्धि और संपत्ति आते ही जाए और आप सभी लोग जिंदगी भर खुशहाल रहे। तो एक बार फिर से नव वर्ष आप सभी को मंगलमय हो हमारी तरफ से। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। हमारा तो सेलिब्रेशन हो गया 31st के नाइट का फैमिली के साथ। फायरवर्क्स हम लोग देख कर आए नीचे, जस्ट हमारी बिल्डिंग के नीचे ही हम लोग गए थे और इतनी ज्यादा भीड़ थी। फिनिश के पास पूरे ग्राउंड में लोग भरे हुए थे, नीचे बहुत ज्यादा भीड़, इधर उधर हर जगह। तो जितना मुझसे हुआ मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है। हमारे घर से बुर्ज खलीफा थोड़ा थोड़ा दिखता है, इतनी अच्छी व्यू तो आती नहीं है, बट जो भी दिखा है मैंने कोशिश किया है वो रिकॉर्ड करने का। तो चलिए गाइज, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अब आपसे मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।